हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBP एक्सप्लोर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस का एक बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का वेबसाइट खोल कर रखा हूँ और ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस डायरेक्टली इसी वेबसाइट में जा सकते हैं और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसी इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल से डेस्कटॉप मोड को ऑन करके रखना है गूगल क्रोम पे, ठीक है, तभी जाके ये प्रॉपरली ओपन होगा। तो पहले मैं आपको अपने मोबाइल पे करके दिखाऊंगा, उसके बाद लास्ट का जो प्रोसेस है लास्ट वाला प्रोसेस मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा। सो गाइज, ये जो अकाउंट आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, आपको बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने मोबाइल से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक ऐप प्ले वाला कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पे बस इसी के ऊपर बैनर के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने से पहले आप देख लीजिए ये सब आपको चाहिए होगा। इंटरनेट एक्सेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, OTP वाला ईमेल आईडी चाहिए और आधार कार्ड चाहिए होगा, और आधार कार्ड के ऑफिस में आपके मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड का जो OTP है वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको यहाँ पे ऐप प्ले नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट का जो प्रोसेस है, जो आपको जो बैंक अकाउंट आपको मिलने वाला है वो बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि आपको फ्री ATM मिलने वाला है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे 25 फ्री पर्सनल मल्टीफिकेशन जो है इसको ये मिलने वाला है। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉन्सेंट वाला फॉर्म दिख जाएगा, यहाँ पे भी कुछ इश्यूज लिखा हुआ है आपको पढ़ लेना है और इसको एग्री करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसको जगह एग्री करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड सेकंड पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और नीचे आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और इसी टाइम आपके मोबाइल का जो लोकेशन है लोकेशन को भी आपको एलो कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। इसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। सो यहाँ पे मैं पहले मोबाइल से कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर में करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास OTP भी आ चुका है और OTP मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसेस क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मेरे पास OTP आ चुका है और यहाँ पे मैं वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन के लिए एलो मांग रहा है, तो लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे एलो कर दिया हूँ। उसके बाद आईडी प्रूफ मांग रहा है, तो आईडी प्रूफ के हिसाब से आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होगा और आधार कार्ड पे जो आपका जो आधार कार्ड है आधार कार्ड के ऊपर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड डिटेल्स डाल दिया हूँ और यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड डिटेल्स भी डाल रहा हूँ और मेरे आधार कार्ड के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, इसलिए आधार कार्ड से मेरे पास OTP आता है। यहाँ पे दो बॉक्स आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दोनों पे आपको चेक कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके आधार कार्ड का ऑफिस से आपके पास एक OTP आएगा, देख सकते हैं VD आधार कार्ड के ऑफिस से मेरे पास OTP आया है क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं आपके पास अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये बैंक अकाउंट खोल नहीं पाएंगे, इसके लिए पहले आपको आधार कार्ड के ऑफिस जाना पड़ेगा और आपके मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आधार कार्ड से। तो यहाँ पे आधार कार्ड का OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया और प्रोसीड पे क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। और आगे का प्रोसेस मैं अपने कंप्यूटर में दिखाऊंगा और आप अगर मोबाइल पे करते हैं तो मोबाइल पे भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसके लिए मैं सोचा कि आगे का प्रोसेस मैं कंप्यूटर में दिखाता हूँ। अगर आप मोबाइल पे ही करना चाहेंगे तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पे मेरा थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि मोबाइल पे जो ऑप्शन है छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए कुछ टाइम ले रहा है, सो यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं आगे का क्या होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड के ऑफिस से मेरे पास मेल भी आ चुका है और आधार कार्ड जो है एक्ट्रैक्शन हो चुका है अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी मेल आ चुका है, मेरा वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए यहाँ पे लोडिंग अभी भी चल रहा होगा, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस मैं अपने कंप्यूटर में दिखाऊंगा, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है गाइस, कोई भी स्टेप अगर मिस कर जाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में खोलने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है मेरा, तो चलने दीजिए। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है, कुछ ही टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं अभी कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ। सो ये देखिए इस प्रोसेस पे हो चुका है, आगे वाला प्रोसेस है यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नेम, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेम प्रोफिक्स में यहाँ पे जस्ट आप मिस्टर हैं या फिर मिसेस हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मिस्टर सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं मेल हूँ, तो यहाँ पे मैं MR सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर पहले नीचे वाले ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जेंडर भी आपको सिलेक्ट कर देना पड़ेगा।
यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस और नेम मेरा ऑटोमेटिकली कैच हो गया है अपने आधार कार्ड से। सो यहाँ पे यस कर देना है क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस भी कोई केवाईसी के लिए भी सेम है जैसे कि मेरा आधार कार्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देते हैं और यहाँ पे नीचे वाला प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका नेक्स्ट वाला प्रोसीड में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार ठीक से देख लेना कि आपका कोई गलती तो नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और आगे वाला फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो आगे वाला ये देखिए फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको आपका अदर पर्सनल डिटेल्स मतलब आपका पर्सनल कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये सबको पता होता है कि क्या डालना है क्योंकि हम लोग बहुत फॉर्म फिलअप कर चुके हैं पहले भी, तो इसके लिए आपको पता होगा कि आपको कहाँ पे क्या डालना है। तो यहाँ पे अगर आप मैरिड है तो मैरिड और ये अनमैरिड तो अनमैरिड करना है। फिर आपके माता जी का नाम, यहाँ पे फादर्स का नाम, रीजन कौन सा है, आपको हिंदू है, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बेसिक वाला जो डिटेल्स है वो बेसिक वाला डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ और आपका फादर्स का नेम मदर्स का नेम जो होगा आप अलग से डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ सिटी ऑफ बर्थ में कौन से स्टेट में मतलब कौन से सिटी में मेरा बर्थ हुआ था वो सिटी भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके जब केवाईसी होगा मतलब वीडियो कॉल आता है लास्ट में। ठीक है, केवाईसी के लिए आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है लेकिन एक वीडियो कॉल करेगा कोई बैंक के कर्मचारी आपको वीडियो कॉल करेगा और आपके यहाँ से पूछेगा कि आपका जन्म सिटी कौन सा है। जैसे आप फॉर्म पे फिलअप किए होंगे तो आपको इसी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कंज्यूमर स्टेटस में दे देता हूँ, कस्टमर स्टेटस देता हूँ और यहाँ पे कस्टमर टाइप भी दे देता हूँ। ठीक है, तो आपके जो हिसाब होगा आपको उसी हिसाब से यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कस्टमर टाइप दे देता हूँ जो भी मतलब आप मैं अपने अपने हिसाब से यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ और आपका जो होगा आपको आपके हिसाब से यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, जो एज इट इज़ मैं जो डाल रहा हूँ उसी को मत डालिएगा, मैं बस आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ लेकिन हर एक आदमी का अलग 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 डिटेल्स होता है तो आपको आपके हिसाब से डालना पड़ेगा और यहाँ पे पढ़ के देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। तो यहाँ पे एनुअल इनकम भी पूछ रहा है तो कि आप एनुअल में कितना कमा लेते हैं। तो यहाँ पे आप तो ये पहला जो ऑप्शन है इसी को डाल देना है क्योंकि इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद आप यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डाल सकते हैं आपके अगर नॉमिनी डिटेल्स डालना चाहेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसको आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेस देन इस फर्स्ट वाला ऑप्शन कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो है आप यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आपके यहाँ पे दे सकते हैं आपका जो एनुअल इनकम है उसका अगर कोई मतलब आपके पास है तो उसको देना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसको देना पड़ेगा और आपको अगर नॉमिनी डिटेल डालना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल डालना है। फिलहाल मैं नॉमिनी नहीं ले रहा हूँ तो उसको मैं बंद कर दिया, उसके आगे का प्रोसेस के लिए क्लिक कर दिया। तो यहाँ से मेरे को बैंक जो ब्रांच मैं सिलेक्ट करूँगा वही ब्रांच में मेरा अकाउंट ओपन होगा। तो आपका एक काम कीजिएगा, आपका नज़दीकी जो ब्रांच है नज़दीकी ब्रांच को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरा नज़दीकी जो ब्रांच है वो राजस्थान यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे दे रहा हूँ और आप यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपका नज़दीकी जो ब्रांच है वो ब्रांच आपके सामने आ जाएगा तो उसी ब्रांच को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। आपके नज़दीकी जो ब्रांच होगा बस आपके नज़दीकी सिटी को आपको सिलेक्ट करना है और आपके नज़दीकी जो ब्रांच है उसी को आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या क्या लेना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट के साथ यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि एटीएम कार्ड आपको लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग के साइड पे क्लिक करना पड़ेगा। मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग के साइड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप SMS अलर्ट चाहते हैं तो SMS अलर्ट के लिए क्लिक करना पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट चाहिए होगा तो स्टेटमेंट के लिए क्लिक कर सकते हैं। चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के लिए क्लिक कीजिए और पासबुक चाहिए तो पासबुक के लिए भी क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सब फीचर्स चाहिए होगा तो आपको इसको ऑन कर देना पड़ेगा। और आगे का जो फॉर्म मैंने फिलअप किया है मैं अपने हिसाब से फिलअप किया हूँ, आप इसको थोड़ा सा पढ़ के फिलअप करना क्योंकि आपके डिटेल्स अलग होगा। तो इसी हिसाब से आप 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपने मोबाइल से। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा मैं क्लिक कर दिया हूँ और आगे के लिए प्रोसीजर पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये प्रोसीड जब हो जाएगा आपके पास एक अकाउंट ओपन के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपके पास वीडियो कॉल आएगा आपके बैंक से, कोई भी कर्मचारी आपको कॉल करेगा और आपके पास वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए। ठीक है, और व्हाइट पेपर ले लेना है आपको, व्हाइट पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करके रखना है
और वीडियो केवाईसी के टाइम आपके पास एक ओरिजिनल प्रूफ मांग सकता है, जैसे कि आप आधार कार्ड भी साथ में ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एग्री कर देता हूँ और पहले वाला जो है उसमें क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो गाइज़ मैं इस टाइप के टेक वीडियो लेके आता हूँ डेली आप लोगों के लिए। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आपको अगर नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और कोई समझने के लिए कोई गलती हो गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये देखिए गाइज यहाँ पे बाग पे की जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको पढ़ लेना है आपके हिसाब से जो होगा। यहाँ पे मैं OTP बेस्ड KYC कर इसलिए सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेना है आपके एप्लीकेशन का, प्रीव्यू आप देख लीजिएगा, कोई गलती हो गई तो उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि पेंसिल का आइकॉन आ रहा है साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको दोबारा सुधार कर सकते हैं, इसके लिए आपको फिर बाद में सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा। एक नंबर अब वेरीफाई हो रहा है, सेकंड में दूसरा नंबर भी वेरीफाई होगा, तीन नंबर भी वेरीफाई होगा और चार नंबर। उसके बाद मेरे आपको डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन का डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट नंबर जो है वो रेडी हो चुका है, वेलकम टू पंजाब पार्टनरशिप। और यहाँ देख सकते हैं मेरा अकाउंट नंबर भी सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नीचे आपको और एक ऑप्शन दिख जाएगा गेट वीडियो KYC, ठीक है। उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे उसी टाइम आपके ब्राउज़र के अंदर ही, ठीक है। तो आपके अगर मोबाइल से करते हैं तो आपका मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो आपको लैपटॉप का सामने का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आपका अगर डिटेल्स चाहिए हो तो आप कॉपी डिटेल्स को कॉपी करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF फाइल चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड PDF फाइल, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड PDF फाइल भी करके रख सकते हैं। और एक देख सकते हैं प्रोसेस टू वीडियो KYC, यहाँ पे प्रोसेस टू वीडियो KYC पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि मैं बोला आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और एक कॉल आ जाएगा आपके पास, आपके बैंक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आपके पास एक कॉल आ जाएगा। एंड उसी कॉल पे आपको आपके लाइव फ़ोटो ले लिया जाएगा, आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा, आपके बर्थ प्लेस कहाँ पे है वो पूछा जाएगा, आप अभी कहाँ पे है ये भी पूछा जाएगा, और आपके वो बोलेगा कि आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, और बोलेगा कि आप सिग्नेचर करके दिखाइए, तो एक वाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दिन और वीडियो।